सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी आप जानते हो कि दो टर्म से मिलकर बना है। कहीं ना कहीं दो टर्म के क्या क्या आता है, फार्माकोन प्लस लॉजी। ठीक है, फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, एंड लॉजी मीन्स लॉजिक बिहाइंड द ड्रग, मीन्स अ स्टडी ऑफ ड्रग। अगर शॉर्ट में बोले तो फार्माकोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। आप क्लियरली देख सकते हो मेरे हाथ में ये दो दवा है। ठीक है, ये दो दवा है, तो ये क्या है, एक फार्माकोलॉजी। इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट लगा हुआ है, मीन्स ड्रग्स को, ये क्या है, कोई ड्रग है। ठीक है, इसमें अगर ये कोई ड्रग है, इसको अगर हम निकालें तो क्या आएगा, इसमें एपीआई आएगा। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो प्रॉपर ड्रग है उसी को हम एपीआई कहते हैं, जिसके कारण मेरा सारा बीमारी हम खा रहे हैं ठीक हो जा रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, एपीआई के कारण हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, और इसमें स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह हर चीज़ इसमें ऐड हो सकता है। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो आप देख सकते हो नीचे क्लियरली मेंशन है, फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन वर्ड है, फार्माकोन, फार्माकोन मीन्स ड्रग, एंड लोगोज मीन्स स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ, जिसका मतलब अगर फार्माकोलॉजी क्या हुआ, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, और इन अदर वर्ड्स इट डील विथ इंट्रैक्शन ऑफ एनी एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विथ ह्यूमन बॉडी। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो भी चीज़ एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई ड्रग है, इस ड्रग को हम खाएं तो क्या हुआ, अगर हमारे केमिकल बॉडी के केमिकल चेंज हो सकता है कि नहीं, अंदर हमारे बॉडी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और कभी ना कभी थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट कहने का मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब होता है कि आप कोई दवा खाओ और आप जिसके लिए खा रहे हो, सपोज आपको फीवर लगा है तो आप पैरासीटामोल लिए, तो पैरासीटामोल फीवर को क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो ये क्या हुआ, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुआ, एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसी को कहेंगे। अपना थेरेपी जिसके कारण हम लिए थे तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिया कि नहीं दिया ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी के अंतर्गत इसी को पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, फार्माकोलॉजी कवर सभी एस्पेक्ट कवर करता है ड्रग एज देयर सेफ यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। इसका मेन मोटो क्या है, आप इसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हो, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस ऐड करते हो, ठीक है, टेस्ट को बदल देते हो, कि जनरली ड्रग्स जो होते हैं ना एपीआईज, वो बहुत ही कड़वे होते हैं, तो डायरेक्टली लेना उनको पॉसिबल नहीं है। किसी व्यक्ति को क्या वोमिटिंग आ सकती है ना, वोमिटिंग आ सकती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया जाता है, इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है, एक ड्रग के ऊपर क्या लेयर चढ़ा दिया जाता है कि हाँ वो स्वीटनिंग करेगा, मीठा करेगा, ठीक है, उस चीज़ को, इसीलिए आसानी से जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल फील हो अपने ड्रग्स को खाने में। देखिए, हजारों सालों पहले की अगर बात करें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, मोर ड्रग्स वेयर क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे उनमें इतनी जो है क्षमता नहीं थी समझने की, कि हमारा जो ड्रग जो हम ऑप्टेन कर रहे हैं, जो हम दवा निकाल सकते हैं, जो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाल सकते हैं, जो मेडिसिनल वैल्यू रखता हो, वो कहाँ से आएगा। तो पहले के लोग, या फिर अब भी आप देखें तो ज़्यादातर जो मेडिसिनल कंटेनिंग वैल्यू जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट सोर्स से मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पता चलने लगा कि नहीं भाई, ये तो हम एनिमल सोर्स से भी ले सकते हैं, मैराइन सोर्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग अब बहुत सारे होने लगे, प्लांट से लोग ऊपर उठकर सोचने लगे, तो धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुआ, हिस्ट्री क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो हम फार्माकोलॉजी के अंदर और सोचने लगे, और सोचने लगे तो उसके अंदर और क्या क्या नया नया थेरेप्यूटिक इफेक्ट, नया नया जो है फार्माकोलॉजी का इफेक्ट, नया नया किसी ड्रग का सोर्स कितना है, ठीक है, सोर्स कहाँ है, कितना अमाउंट में लेना है, डोज कैलकुलेट करने लगे, एज के बेसिस पे डोज कैलकुलेट करने लगे। नहीं, अगर कोई आपको बीमारी है, सपोज आपको दो बीमारी है, तो आप ये ड्रग लेना सेफ होगा कि नहीं, हो सकता आप एक बीमारी तो ठीक कर दे, दूसरा बीमारी को बढ़ा दे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू प्रोलिफिक ग्रोथ ऑफ फार्माकोलॉजी। ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि ग्रोथ ऑफ फार्माकोलॉजी धीरे 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 बढ़ने लगा है ना, जिसके कारण बैकबोन जो है रेशनल थेरेप्यूटिक्स, यहाँ पे बैकबोन क्यों कहा गया रेशनल थेरेप्यूटिक्स की, क्योंकि हम जो थेरेपी, हम अगर जो भी, अगर मेरा तबीयत खराब होता है तो हम ड्रग लेते हैं, कौन, कोई भी ड्रग लेते हैं, सपोज मेरा कोई बीमारी हुआ है, फीवर लग गया, तो हम पैरासीटामोल लिए, तो ये क्या दिया, थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिया कि नहीं। तो पैरासीटामोल का ए टू जेड स्टडी, कहने का मतलब उसका सेफ्टी, टॉक्सिसिटी काउज करेगा कि नहीं, कब लेना है, कितना डोज में लेना है, ठीक है, कितना टाइम लेना है, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, तो इसके कारण हम किसके अंदर स्टडी किए, किसके कारण पॉसिबल हो पाया, फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण पॉसिबल हो पाया। अब अगर बात करो तो दो मेन डिवीजन आता है फार्माकोलॉजी का, कौन कौन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द फार्माकोडायनेमिक्स। कौन आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ध्यान से देखो, पहला हम देख रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है, ये देखिए मेरा ड्रग है, ये क्या है, मेरा ड्रग है, ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा ड्रग है,
इस ड्रग को हम खाएं तो ड्रग के अंदर फार्माकोन मीन्स ड्रग और डायनेमिक मीन्स पावर, मतलब हम किसका पावर की बात कर रहे हैं, किसका पावर की बात कर रहे हैं, एक ड्रग की पावर की बात कर रहे हैं। इस ड्रग को हम लिए और इस ड्रग का कितना पावर है हमारे बॉडी पे, मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज कम्स अंडर फार्माकोडायनेमिक्स। समझ रहे हो आप, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, मतलब ये ड्रग लिए और ये हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करेगा, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मेंशन है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। मतलब हम पावर ऑफ ड्रग क्या कहना चाहते हो सर आप, पावर ऑफ ड्रग मीन्स पावर ऑफ ड्रग टू अफेक्ट आवर बॉडी। जैसे बात करें तो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्शन एक्शन एट ऑर्गन, मीन्स हम ये ड्रग लिए तो इसका कौन सा फार्माकोलो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या पड़ेगा, कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा। जैसे हम ड्रग लिए तो क्या कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कितना देर के बाद इसका बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितना देर के बाद हमको थेरेप्यूटिक एक्शन देगा, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करेगा, ये पूरा जानकारी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये लोअर करता है बॉडी टेम्परेचर का, तो ये टारगेट्स करता है हमारे बॉडी पे, और कौन सा मैकेनिज्म हम जनरली किस क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, फार्माकोडायनेमिक्स हम जनरली मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कौन से मैकेनिज्म से ये काम किया, ताकि ऐसा ड्रग जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, बॉडी में हम कैसा काम करेगा, ड्रग लिए ड्रग के अंदर बॉडी के अंदर इसका मूवमेंट को देखेंगे, अरे कैसे मूव कर रहा है, कौन से रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर ये कैसे जो है मेटाबोलाइज हो रहा है, कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, कैसे कम कर रहा है, सबको पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। क्लियर है, अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए फार्माकोडायनेमिक्स का छोटा भाई, बोले तो बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई जनरली, लेकिन फार्माको क्या है, काइनेटिक, फार्माकोन मीन्स ड्रग, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, दो वर्ड मिलके था ना, ठीक है, फार्माकोन मीन्स ड्रग और काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक, डायनेमिक में क्या था, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी मीन्स ड्रग का पावर। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़े थे, फार्माकोन मीन्स ड्रग और डायनेमिक्स पावर मीन्स पावर ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग क्या करेगा बॉडी पे, क्योंकि ड्रग के पास पावर है, और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स ड्रग का मूवमेंट, कि हमारा जो ड्रग है वो मूव कैसे करेगा हमारा बॉडी पे, इसके अंतर्गत हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या हो सकता है, मैनर ऑफ बॉडी इज ट्रीटिंग द ड्रग, मीन्स हमारा ड्रग को बॉडी किस तरह से ट्रीट कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं दिस रेफर टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाई बॉडी, मीन्स हम जो ड्रग लिए उसका बॉडी किस तरह से चेंजिंग कर रहा है, जैसे एब्जॉर्प्शन किस तरह से कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, मेटाबोलिज्म कैसे कर रहा है, और उसका एक्सक्रीशन एलिमिनेशन कैसे कर रहा है, ये सब के अंतर्गत किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। बिल्कुल, जैसे अदर कुछ कुछ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के अलावा कुछ और भी ब्रांच होते हैं फार्माकोलॉजी का, लेकिन हम लोग डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स ओनली। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, मतलब और भी कुछ कुछ ब्रांचेज होते हैं जिनको हमको तो पढ़ना नहीं है, बस आपको जान लेना है, सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एक टर्म आता है हमारा, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को कैसे आप डिफाइन करोगे सर, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स डिफाइन एज द स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब हम जो ड्रग ले रहे हैं उसका थेरेप्यूटिक यूज कैसे करेंगे और ड्रग का इफेक्ट कैसा होगा। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन मेडिसिन और क्योर। कहने का मतलब यह है कि हम फार्माकोलॉजिकल जो है जो ड्रग ले रहे हैं तो उस पहले तो हमको ड्रग का पूरा जानकारी होना चाहिए और हमारे बॉडी पे किस तरह से एक्ट कर रहा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि बात करें तो हमको डिजीज़ के बारे में पता चल रहा है कि हाँ इसको फीवर हुआ है तभी हम इसको क्या कर रहे हैं ड्रग दे रहे हैं और हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, ड्रग तो दिए हैं लेकिन उसके अलावा उसके साथ और क्या नहीं दें ताकि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। ठीक है, ये सब के जानकारी हम लोग फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। डोज डिसाइड करेंगे, ठीक है, कितना डोज देना है, 100 mg देना है, 600 mg देना है या 500 mg देना है और कितने टाइम देना है। कहता है ना डॉक्टर कभी कभी आपको दिन में दो टाइम लेना है ये दवा, दिन में एक टाइम लेना है, रात को सोते समय लेना है, ये डोज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंतर्गत आता है इसका स्टडी। ठीक, अब आता है दूसरा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखिए नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी है ड्रग का, किसका, बोथ ओल्ड एंड न्यू। इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलेंटियर एंड इन पर्सन फॉर द इवेलुएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो हम पहले हेल्दी इंडिविजुअल को लाएंगे, ठीक है,
हेल्दी हेल्दी वॉलेंटियर्स के लाएंगे जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, अब उनको लाएं और हम उन पे क्या किए, ड्रग को टेस्ट किए कि कैसे इनका कितना सेफ है, कितना इफिशियंट है, ठीक है, कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा इसका पावर है, हमारा ड्रग जो है कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है, इसका कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका हम लोग पूरा स्टडी किसमें करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर अंतर्गत पढ़ते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, इसके अंदर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक आता है टॉक्सिकोलॉजी, नाम से पता चल रहा है टॉक्सिकोलॉजी मीन्स टॉक्सिसिटी, मतलब हम लोग पॉइजनस इफेक्ट, कोई कोई ड्रग होता है ना कि अगर आप हाइयर डोज में ले लो तो पॉइजनस काउट क्रिएट करेगा, क्या करेगा, पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। तो टॉक्सिसिटी में हम यही पढ़ते हैं कि पॉइजनस इफेक्ट ड्रग का कितना है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइजन क्या है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करेंगे कि कोई ड्रग जो है कितना टॉक्सिक हो सकता है, कितना अमाउंट में टॉक्सिक हो सकता है। सपोज कोई ड्रग लिए 500 एमजी पे बहुत ज़्यादा सेफ है, 600 एमजी बढ़ाएं और सेफ्टी हमको सही मिल रहा है, 700 एमजी किए हैं बहुत अच्छा सेफ्टी मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं उसको 800 कर दिए तो टॉक्सिसिटी काउज कर दिया, क्योंकि आप जानते हो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा डोज भी ड्रग का लेना टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। अब हम आते हैं ड्रग के ऊपर, ठीक है, आप उतना देर तक तो बात कर लिए कि व्हाट डज ड्रग डज टू बॉडी, व्हाट डज बॉडी डज टू ड्रग, लेकिन आखिर ये ड्रग होता क्या है, ठीक है, ड्रग होता क्या है, ऐसा तो नहीं, ड्रग को जनरली एक थोड़ा सा अगर हिंदी में डिफाइन करो तो क्या, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में आया और हमारा बीमारी को ठीक कर गया, उसको हम ड्रग कह दिए, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर वह WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1966 में एक ड्रग का बहुत ही बेहतरीन सा डिफिनेशन दिया गया, WHO कहता है कि ड्रग एक एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स, ठीक है, ड्रग कोई ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, यूज कर रहे हैं या फिर करेंगे, टू बी मॉडिफाइड और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट्स, किसके लिए, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को सही करने के लिए, हमारा फिजियोलॉजी कुछ गड़बड़ है उसको सही करने के लिए, और सपोज हमको कोई बीमारी हुआ है उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं। तो WHO के मुताबिक देखिए यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम और एक आता है मेरा पैथोलॉजिकल, इसका कहना क्या चाहता है, ऊपर अगर ड्रग का डेफिनेशन देखो तो क्या है, ड्राई हर्बिट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन मेडिसिन दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, ध्यान देना है किसका बात कर रहे हैं हम, डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, ये बेसिकली एक डिजीज ओरिएंटेड है, पैथोलॉजिकल कंडीशन का बस बात हो रहा है यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल कंडीशन का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई अगर औरत सपोज कोई एक मदर है जो कि क्या है एक प्रेगनेंसी स्टेट में है, तो क्या उनको ड्रग नहीं दिया जाता है, क्या उनका तबीयत खराब था, ठीक है, क्या उनको पैथोलॉजिकल कंडीशन थी, क्या उनको डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट को डिजीज हुआ है क्या, नहीं, वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो इसमें तो ड्रग देते हैं ना, लेकिन इसीलिए इस डिफिनेशन को जो है प्रॉपर नहीं माना गया, क्योंकि ये बस क्या है, ये डिफिनेशन जिस पैथोलॉजिकल स्टेट पे निर्भर करता है, इसीलिए WHO ने बहुत ही बेहतरीन सा मेरा ड्रग क्या दिया, डिफिनेशन दिया, ड्रग इज अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, ड्रग कोई सब्सटेंस है, केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं या फिर यूज करेंगे, टू एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, सही करने के लिए, मीन्स मैंने बताया आपको मेंस्ट्रुअल और क्या जो हमारा प्रेगनेंसी दो टाइप टर्म है जो कि फिजियोलॉजिकल स्टेट है, वहाँ भी तो हम ड्रग देते हैं, या फिर आप एनेस्थेसिया की बात कर लो, किसी को डिजीज हुआ रहता है क्या, फिर भी हम एनेस्थेसिया देते हैं, ताकि अच्छे से हम ऑपरेशन कर सकें, ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर डिफिनेशन यही होता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट। अब आता है पैथोलॉजिकल स्टेट, जिसमें पैथोलॉजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा, डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज किसी भी रेसिपिएंट का। क्लियर है जी आपको ड्रग का डिफिनेशन, अगर कहीं भी डाउट होता है कमेंट करें, मैं तुरंत आंसर करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले इस बात की। सोर्सेस ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें तो कुछ सोर्स जो होते हैं अलग अलग तरह के सोर्स मिलेगा, सोर्स कहने का मतलब है कि हमको कोई ड्रग कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ड्रग की बात करें तो पहला नेचुरल ड्रग, वैसा ड्रग जो कि नेचुरल सोर्स से आया है, नेचुरल सोर्स से आया है मतलब आप कहना क्या चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरली डिराइव्ड है, जिसको हम लैब में बनाया नहीं है, सिंथेसिस नहीं किए हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल से कहाँ से आ सकता है आने के लिए, पहला तो मिनरल सोर्स से आ सकता है, एनिमल सोर्स से आ सकता है, प्लांट सोर्स से आ सकता है, मैराइन सोर्स से आ सकता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ सकता है ना। तो पहला हम क्या देखते हैं, मिनरल ड्रग देखते हैं,
ये ड्रग ऐसे हैं जो कि मिनरल ओरिजिन के होते हैं, जैसे कोलीन एक एग्जांपल है जो कि डायरिया में यूज होता है, चारकोल जो कि पॉइजनिंग में यूज होता है। कैसे पॉइजनिंग में यूज होता है, देखिए चारकोल का प्रॉपर्टी होता है एडजॉर्व करने का, किसी चीज़ को क्या करेगा एडजॉर्व कर लेगा। तो अगर आपको किसी चीज़ का पॉइजनिंग हुआ है, आप उसको चारकोल देते हो तो क्या करता है चारकोल ना, पॉइजन को हमारे बॉडी में से एब्जॉर्व करके एलिमिनेट कर देता है। तो आप पॉइजन से बचे कि नहीं, पॉइजनिंग से बचे ना, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट, सभी आपने इनो खाया होगा एंटा एसिड, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है मिनरल ड्रग है, जो कि मेटल्स और वैसा ड्रग जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिले, अर्थ क्रस्ट से मिले, ठीक है पृथ्वी से नहीं मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं मिनरल ड्रग कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा एनिमल ड्रग जो कि एनिमल से मिले। क्या होता है क्या ऐसा ड्रग एनिमल से मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। दीज आर ड्रग जो कि एनिमल ओरिजिन से आता है, जैसे एग्जाम्पल लें तो इंसुलिन हो गया जो डायबिटीज़, ठीक है ना, जिसको डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं इंसुलिन, जो कि कहाँ से मिलता है हमको, पैनक्रियाज सेल से मिला है, पैनक्रियाज से मिलता है ना, पैनक्रियाज से मिलता है। फिर आता है हेपेरिन, हेपेरिन क्या काम करता है एंटीकोगुलेंट क्या होता है एंटीकोगुलेंट मतलब सपोज कहीं भी थक्का जम गया आपका ब्लड का, तो उसमें क्या करता है हेपेरिन दे देंगे तो उसका कोगुलेशन हटा देगा वहाँ से और ब्लड का फ्लो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हेपेरिन कहाँ से आया, हमारा एनिमल सोर्स से आया। फिर एड्रेनालिन सभी जानते हो एड्रेनल ग्लैंड से मिलता है जो कि हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है, हुआ कि नहीं एनिमल सोर्स। अब देखिए कुछ बहुत सारे ड्रग तो आते हैं प्लांट से, ये तो सभी जानते हैं, प्लांट जो है एक क्या है फैक्ट्री हमारा मेडिसिन का, ठीक है। तो प्लांट ड्रग जो प्लांट ओरिजिन से आता है या फिर कहाँ से आ सकता है प्लांट में, या तो प्लांट के पूरा प्लांट से आए, छोटे छोटे पौधे होंगे सर आपके, तो हम क्या करोगे पूरा प्लांट को ही ना लोगे, उसका पत्ती कहाँ ढूंढते फिरोगे आप, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। और या तो प्लांट के किसी पार्ट से आए, कौन कौन पार्ट हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, बार्क हो सकते हैं, ट्राइकोम्स हो सकते हैं, स्टीम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लगभग हर एक पार्ट से हमारा मेडिसिनल वैल्यू प्लांट से मिलता ही है। एग्जाम्पल लें तो मॉर्फिन हो गया पेन किलर ड्रग, कहाँ से आता है प्लांट से आता है। डिजॉक्सिन जो कि हार्ट अटैक में यूज होता है, वो कहाँ से आएगा हमारा, प्लांट से आता है। क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया में बहुत अच्छा, आपने कोविड के टाइम नाम भी सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग था, ठीक है, जो कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा मिला था कि हम कोविड से भी बचाता है। तो क्या हुआ ये एंटी मलेरिया ड्रग कहाँ से आया, प्लांट सोर्स से आया। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई ड्रग आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन से डिराइव हो, ये कौन हो सकते हैं, दे कैन आइदर बी होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या इसको एक्सट्रैक्ट किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से क्या किया गया निकाला गया हो। जैसे एग्जांपल है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग, कितना बेहतरीन एग्जांपल है नहीं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक ड्रग, क्या है ये एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं, कहाँ से मिला हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला ना। सेमी सिंथेटिक ड्रग, अब सेमी सिंथेटिक ड्रग क्यों कहें इसको, क्योंकि देखिए सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब होता है कि ऐसा ड्रग जो कि नेचुरल ओरिजिन का हो, लेकिन हम उसमें क्या कि ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए, केमिकल लैब में ले गए, उसमें कुछ ग्रुप चेंज कर दिए, COOH के जगह OH लगा दिए, या फिर कुछ और ऐड कर दिए, जिससे कारण उस ड्रग का पोटेंसी बढ़ गया, क्षमता बढ़ गया, काम करने का क्षमता बढ़ गया, तो क्या हुआ सेमी सिंथेटिक ड्रग हुआ, बिल्कुल। अब आता है सिंथेटिक ड्रग, ये तो सिंथेटिक ड्रग पूरा का पूरा हम सिंथेसाइज लैब में किए हैं, लैब में मिले हमको, कोई हमको नेचुरल ओरिजिन से कुछ नहीं लिए हैं, सारा जो हमारा प्लांट का सोर्स है सिंथेटिक है, मतलब पूरा का पूरा हम सारा केमिकल मिलाए एक जगह पे और एक नया ड्रग बनाया, तो इसको हम सिंथेटिक ड्रग कहें, जो वेरियस केमिकल प्रोसेस से मिला, जैसे पारासीटामोल हो गया एंटी पायरेटिक ड्रग, सिट्रिजिन हो गया एंटी एलर्जी ड्रग, कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, सिंथेटिक ड्रग है ना, बिल्कुल। अब अगर आगे बात करें, देखिए इसेंशियल ड्रग क्या होता है, इसेंशियल ड्रग वैसा ड्रग है, नाम से पता चल रहा है यार इसेंशियल, जो कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसेंशियल ड्रग जो सेटिस्फाई करे प्रायोरिटी हेल्थ केयर ऑफ मैक्स मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, लगभग 99% पॉपुलेशन को ये ड्रग चाहिए ही चाहिए, उसको हम लोग इसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ एविडेंस के बेसिस पे या फिर किसी उसको अच्छे से हम इफिशियंट है कि नहीं उसके सेफ्टी चेक करते हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ये क्या है टर्म है, क्या होना चाहिए एसेंशियल ड्रग कैसा होना चाहिए, पहला तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से हमको मिल जाए, देखिए पास वाले मेडिकल शॉप पे जाएं बोले भैया हमको पैरासीटामोल दे दो यार मेरे को तबीयत ख़राब है, तो भैया ने क्या किया पैरासीटामोल लिया, तो ये एक एसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत आया कि नहीं, सारा ड्रग के जितना आपका मेडिकल स्टोर रहेगा सब पे क्या रहेगा पैरासीटामोल प्रेजेंट रहेगा, एसेंशियल मेडिसिन हुआ। फिर सेफ होना चाहिए,
सेफ भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं खाएं टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे तो ऐसा हम ड्रग क्यों लेंगे, सेफ होना चाहिए ठीक है। और क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि उसमें जो है पूरी तरह से यूटिलाइज जो रिसोर्स है ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना ईजी हो उसका, वो जो है स्टोरेज कंडीशन में बेहतरीन हो, ख़राब ना हो, तो इस तरह से हमारा क्या चाहिए इसका कुछ क्राइटेरिया एसेंशियल मेडिसिन का। इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट ओनली हैंडफुल ऑफ मेडिसिन और मल्टीट्यूड अवेलेबल कैन मीट द हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है। ये कहना चाहता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है अपना एसेंशियल मेडिसिन अलग अलग बनाती है, लेकिन एक कॉमन बनता है जो कि WHO बनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बार बार अपडेट करते रहती है अपनी, ठीक है। तो उनका कहना है कि एडिक्वेट डाटा, WHO ने क्या किया है एसेंशियल मेडिसिन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे कुछ गाइडलाइंस क्या क्या हैं भाई, एडिक्वेट डाटा ऑन इफिशियंसी एंड सेफ्टी शुड बी अवेलेबल फॉर क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल स्टडी करने जाएं उस ड्रग का तो उसका प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि कितना इफिशियंट है, कितना सेफ है, ठीक है, क्वालिटी बायोअवेलेबिलिटी सही है कि नहीं, स्टोरेज उसका एश्योर करे कि इसका स्टोरेज कंडीशन जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सपोज हम यहाँ से अगर झारखंड से क्या जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो ऐसा ना हो कि मेरा ड्रग जो है टेम्परेचर चेंज होने के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के कारण हमारा ड्रग जो है ख़राब हो जाए, तो ऐसा ये सब कुछ क्या है हमारे जो है WHO ने बताया था बिल्कुल कि ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसेंशियल मेडिसिन को चुन सकते हो, ठीक है। एक आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और एक आता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये क्या है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, सभी जानते हो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी MBBS डॉक्टर या फिर और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MBBS होना चाहिए या फिर अगर डेंटल जा रहा है तो BDS होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे, जो पत्री आपको देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, हाँ भाई लो या क्या क्या हुआ, सभी तबीयत खराब है ठीक है, पैरासीटामोल और क्या हुआ आपको ठीक है, आपको मेरे को दर्द बहुत है, एसिक्लोफेनेक ले लो, डिक्लोफेनेक ले लो, ठीक है लो जाकर ड्रा ले लो, तो जो आपको पुर्जी लिख के दिए हैं उसको हम क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ड्रग जो कि हम किसको करते हैं, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ना मिले, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखने के बाद ही मिले, उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। और इनको शेड्यूल एच में रखा है, आप शेड्यूल पढ़ोगे, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, वो पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। हाउएवर जबकि कुछ ड्रग जैसे सिंपल एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एंटासिट, लग्जेटिव, सेना, ये सब जो है ये जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कोई को दे सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं OTC ड्रग कहते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी कहते हैं। OTC मतलब ओवर द काउंटर, नाम से पता चल रहा है ओवर द काउंटर, मतलब आप काउंटर पर जाओ बोल दो भैया मेरे को इनो दे दो, ठीक है। आप स्ट्रेप्सिल्स लेने जाते हो, आप विक्स वेपोरब लेने जाते हो, तो आप दिखाते हो क्या कि कहाँ डॉक्टर का क्या लिखा है, डॉक्टर दिखाओ जरा, नहीं ना लेते हो। OTC ड्रग क्या हुआ जो कि आसानी से मिल जाए हमको, नॉर्मल जो चीज़ हुआ आप पैरासीटामोल लिए, ठीक है जाओ आप पैरासीटामोल ले लो, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दे, तो उसको OTC ड्रग कहते हैं। ओवर द काउंटर मतलब ओवर द काउंटर पे गए ले लिए, हाँ ओवर द काउंटर ड्रग बिल्कुल। अब आता है हमारा एक टर्म ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ऑर्फन ड्रग जो है या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, डायग्नोस करे, ट्रीटमेंट करे और प्रिवेंट करे रेयर डिजीज़ में, ठीक है। रेयर डिजीज़ कहने का मतलब कि अगर पूरा पॉपुलेशन में सिर्फ 10,000 को हो रहा हो, ठीक है, सिर्फ 10,000 को हो रहा, 20,000 को हो रहा, तो बहुत रेयर पॉपुलेशन है, तो ऑर्फन ड्रग इसी को कहते हैं। वैसा ड्रग जो कि बहुत ही रेयर डिजीज़ के लिए यूज हो, बहुत ही रेयर डिजीज़ के लिए यूज हो, तो उसको हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लो तो डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, ठीक है, लायोथायरोनिन T3, जनरली हम T4 देते हैं लेकिन कभी कभी आयोडीन की कमी हो जाती है तो T3 लायोथायरोनिन देना होता है। ऑर्फन ड्रग होता ही है जो कि क्या हो, बहुत ही रेयर डिजीज हो, कुछ कुछ डिजीज होते हैं ना बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को, अगर 1,000 की तुलना करो तो उसमें शायद ही किसी एक को निकले, और वहीं पे 1,000,000 की तुलना करो तो 4 या 5 को निकले, इसको हम रेयर डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्फन ड्रग हो गया, जैसे सोमाट्रिप्टन हो गया, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी हो गया, लायोथायरोनिन, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, रिटुक्सिमिन, रिटुक्सीमैब, ये सब कुछ ड्रग्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब जो ड्रग है जो कि ऑर्फन ड्रग है, ठीक है, ऑर्फन ड्रग है। अब हम लोग देखेंगे आगे फार्माकोपियाज के बारे में, ठीक है, हो सकता है आपको ये लेक्चर समझ में आए, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर से बताएं मुझे, मैं उसे तुरंत आंसर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन जरूर करें, ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे ऑनलाइनर्स, जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चंस
और भी बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।